नमस्कार, उद्देश्य अकेडमी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 पार्ट 6 त्रिभुज की प्रश्नावली 6.1 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो 6.1 में पहले प्रश्न में खाली स्थान है, इसमें लिखा है कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। देखिए, पहला लिखा है सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। इसमें देखिए दो चीज़ लिखा हुआ है, सर्वांगसम और समरूप। तो पहले थोड़ा सर्वांगसम और समरूप के बारे में जान लेते हैं। देखिए समरूप और सर्वांगसम क्या होता है, तो ये लिखे समरूप और ये है सर्वांग समता या सर्वांग सम, ठीक ना। इसको इंग्लिश में सिमिलर बोलते हैं, सिमिलर, और इसको कॉन्ग्रेंट, ठीक ना। तो देखिए गणित में दो चीज होता है, आकार, आकार और आमाप, आमाप, माप, ठीक ना। आकार का मतलब शेप और आमाप का मतलब होता है साइज, ठीक ना। आकार का मतलब कि कोई आकृति किस आकार की है, कि वो वृत्त के आकार की है, कि त्रिभुज के आकार की है, ठीक ना, आयत के आकार की है, तो ये आकार वो दिखाता है, ठीक ना। तो अगर हम दो वृत्त ले लेते हैं, और साइज का मतलब होता है कि वो कितना छोटा है कि कितना बड़ा है, ठीक ना। आकार ये हो गया, अमाप, माप, अमाप का मतलब ही होता है साइज, ठीक ना, छोटा बड़ा है, बड़ा है छोटा है ऐसा। तो देखिए जैसे अगर मैं एक आकार बनाऊं शेप, तो देखिए ये है वृत्त, ठीक ना, और एक मैं एक वृत्त और बना लेता हूं, जैसे ये वृत्त बनाया, ठीक ना। देखिए दोनों आकार में सेम है, ठीक ना, दोनों ही वृत्त हैं, दोनों ही आकृतियां वृत्त की आकृतियां हैं, ठीक, मगर इनका साइज अलग अलग है, ठीक ना। साइज मतलब इसका थोड़ा ये बड़ा है और इसकी तुलना में ये एक थोड़ा सा छोटा है, ठीक ना। तो इनका साइज भर अलग अलग है मगर ये आकृति एक जैसे ही है, ठीक ना। जैसे अगर हम एक वर्ग बना लें, यहाँ पर एक वर्ग बना लिया ये, और एक वर्ग और बना लेते हैं, ये रहा, ठीक ना। वर्ग ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक ना। तो अगर ये मान लिया ये 1 सेंटीमीटर की प्रत्येक भुजा वाला ये वर्ग है, और ये भी एक वर्ग है, इसको 2 सेंटीमीटर का प्रत्येक भुजा ले लेते हैं, दो दो दो, इस प्रकार ये दोनों आकृतियां एक ही प्रकार की हैं। इसका नाम आकार क्या है, इनका वर्ग है, ठीक ना। तो इनका आकार सेम है मगर इसका साइज की बात करें तो साइज अलग अलग है, ठीक ना। ये 2 सेंटीमीटर मतलब थोड़ा सा बड़ा है और ये छोटा है। तो इस प्रकार ये दोनों आकार में तो एक ही हैं मगर साइज या आमाप में अलग अलग हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार की आकृतियों को हम समरूप आकृतियां कहते हैं, ठीक। और अगर इस प्रकार की आकृतियों का नाम हमें मालूम है, जैसे ये आकृतियां वर्ग है, तो हम बोलेंगे ये दोनों वर्ग समरूप वर्ग हैं, ठीक ना। इसी प्रकार ये समरूप वृत्त हैं, और अगर त्रिभुज होगा तो बोलेंगे ये समरूप त्रिभुज है, ठीक ना। अब देखिए कॉन्ग्रेंस सर्वांग समता के बारे में क्या होता है। इस वाले आकृतियों में आकार और आमाप ये दोनों सेम होता है, ठीक ना। शेप एंड साइज जब दोनों इक्वल हो तो ऐसी आकृतियों को सर्वांगसम आकृति कहते हैं। जैसे यदि मैं एक वृत्त यहाँ खींच लूँ, ये मान लिया त्रिज्या 2 सेंटीमीटर का है, और मैं इतनी ही त्रिज्या लेकर एक और अगर वृत्त में खींच दूँ, ये खींच दिया, अगर ये 2 सेंटीमीटर ही है, तो देखिए ये दोनों आकृतियाँ सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती हैं, ठीक ना। या सीधे से बात करें तो इसको अगर आप इस वृत्त को उठाकर इस पर बैठा देंगे तो पूरी तरह बैठ जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार यदि ये छोटा सा एक आयत, ये वर्ग ले लिया मैंने,
एक इतना ही बराबर एक और वर्ग अगर मैं ले लूं, ठीक ना, तो ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम आकृति है, ठीक ना। शेप भी वही है, वर्ग के आकार का है, और साइज भी वही है, सेम साइज का है, ठीक ना। तो इसको आप उस पर उठा के बैठा दीजिए तो पूरी तरह ओवरलैप हो जाएगा। तो इन दोनों ऐसी आकृतियां, या सरल भाषा में बात करें तो ऐसी आकृतियां जिन अगर दो आकृतियां एक दूसरे पर पूरी तरह बैठ जाएं या ओवरलैप हो जाएं तो बोलेंगे कि वो सर्वांगसम आकृतियां हैं, ठीक ना। और वो आकृति अगर वृत्त है तो बोलेंगे कि सर्वांगसम वृत्त है, या सर्वांगसम आयत है, वर्ग है, या त्रिभुज है, ठीक ना। तो ये हो गया। उम्मीद है आपको सर्वांगसम और समरूप के बारे में थोड़ा समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो अब प्रश्न, अब पहला देख लेते हैं खाली स्थान में जो है। तो पहले वाले खाली स्थान में दिया हुआ था सभी वृत्त होते हैं। तो देखिए सभी वृत्त की बात करें तो हम दो तीन वृत्त को ले लेते हैं और फिर उसकी तुलना करते हैं। देखिए एक वृत्त ये ले लिया, एक वृत्त ये ले लिया, और एक वृत्त और ले लेते हैं, ठीक ना। ये त्रिज्या अगर हमने 2 सेंटीमीटर लिया, ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, एक ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, और एक बड़ा सा वृत्त और ले लिया, ठीक ना। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त ले लिया, ठीक ना। तो देखिए अगर इस तरह बहुत सारे वृत्त हों तो हम इसको देखें, इसका थोड़ा आकार बड़ा है, ठीक ना, मतलब माप बड़ा है इसका, ठीक ना। ये हैं तो सभी वृत्त ही, मगर ये बड़ा है, ये थोड़ा इससे छोटा है, और ये इससे भी छोटा है, और ये दोनों आपस में एक जैसे हैं, ठीक ना। तो इस तरह अगर बहुत सारे वृत्त हैं तो कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। तो देखिए इनका आकार वृत्त ही है, इसलिए, और मगर इसका माप अलग अलग होने के कारण ये सभी वृत्त समरूप वृत्त होंगे, ठीक ना, सर्वांगसम वृत्त नहीं होंगे। सर्वांगसम वृत्त में यही दो स्पेशल केस हैं जो एक के ऊपर एक बैठ जाने के कारण ही ये दोनों सर्वांगसम हैं, ठीक ना। मगर अगर हम बोलें कि बहुत सारे वृत्त हैं तो जरूरी नहीं कि सभी एक माप के ही होंगे, ठीक ना। जो एक जैसे माप के होंगे वो सर्वांगसम हो जाएंगे, मगर जब पूरा समुच्चय दे रखा है वृत्तों का तो अलग अलग माप के हैं, तो इसलिए वो समरूप वृत्त होंगे, ठीक ना। इस प्रकार पहले खाली स्थान में पहला आंसर होगा समरूप वृत्त होते हैं, ठीक ना। तो पहले वाले में लिख लेते हैं, तो पहले वाले का आंसर आ गया पहला, तो ये हो जाएगा समरूप, ठीक ना। दूसरा में देख लेते हैं, दूसरे में क्या है, इसमें भी यही लिखा हुआ है सभी वर्ग होते हैं। तो जिस प्रकार सभी वृत्त समरूप होते हैं इसी प्रकार सभी वर्ग भी समरूप होंगे, ठीक ना। कोई छोटा कोई बड़ा, तो इस हिसाब से ये समरूप हो गया। थर्ड में लिखा है सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें विकल्प दिया है सम दुई बाहु त्रिभुज और सम बाहु त्रिभुज। तो देखिए सम दुई बाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, जिसकी दो भुजाएं बस बराबर हों, है ना, दो भुजाओं जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों उन्हें ये बोलते हैं, ठीक ना। ये दोनों देखिए बराबर है, और समबाहु त्रिभुज का मतलब समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, ये रहा इस प्रकार का है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होंगी, चलिए ये रहा बराबर, ठीक ना, और ये प्रत्येक कोण 60 डिग्री मतलब सभी कोण बराबर भी होते हैं, 60-60 डिग्री के ये होते हैं, ठीक ना। तो अगर हम इसको देखिए इस तरह बना लिए, अब इस तरह का अगर आप इसको छोटा कहीं बनाइए चाहे इसको कहीं बड़ा बना लीजिए इसको, ठीक ना। देखिए अगर मैं इसको छोटा सा बना लूं और ये कंडीशन है कि सभी भुजाएं बराबर हैं, ठीक ना, तो ये देखिए भुजा बराबर हैं और तो इसके कोण भी सभी 60 डिग्री ही होंगे, ठीक ना। तो यही त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ये छोटा है ये बड़ा है,
आप चाहें तो इससे और बड़ा ले लीजिए, तो इसमें क्या होगा, कोण वही बराबर, सभी कोण बराबर ही होते हैं, ठीक ना। तो समबाहु त्रिभुज की एक खासियत, समबाहु त्रिभुज में खासियत होती है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर, ठीक ना। तो इस प्रकार समबाहु त्रिभुज में ये त्रिभुज लिया, ये बड़ा, ये छोटा लिया या बड़ा लिए, ये सभी आपस में समरूप होंगे, ठीक ना, समरूप हो गए। और समरूप का एक नियम भी होता है, समरूप त्रिभुज अगर हम लें, ठीक ना, या कोई भी समरूप आकृतियां ही क्यों न लें, उनकी संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए या संगत भुजाएं समानुपात में होना चाहिए, समानुपाती हो एवं संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक ना, संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक ना। ये कंडीशन होता है समरूप त्रिभुज के लिए। तो इसमें देखिए भुजाएं अनुपात में होनी चाहिए, मतलब जैसे अगर ये चार है तो ये मैंने इसको एक ले लिया, ये चार है तो एक, ये चार है तो एक, तो देखिए अगर इनकी भुजाओं का अनुपात देखें तो एक बटे चार, एक बटे चार और एक बटे चार, मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात तो बराबर आया, ठीक ना। और प्रत्येक कोण भी देखिए 60-60 बराबर देख रहा है, ठीक ना, ये 60, ये 60, ये 60, ये 60, 60। इस प्रकार ये समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज लिखाएगा, ठीक ना, तो समबाहु त्रिभुज। अब देखिए चौथे में दिया है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, ठीक ना, मतलब भुजाएं जितनी भी, देखिए बहुभुज का मतलब होता है तीन या तीन से अधिक भुजाओं से बने कोई भी त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज होता है, समषट्भुज भी हो सकता है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले तीन भुजाओं वाले जो आकृति बनती है वो त्रिभुज होता है, ठीक ना, फिर ये चतुर्भुज हो सकता है, आयत हो सकता है, ठीक ना, इस तरह आयत हो गया, चतुर्भुज हो गया, ये चार भुजाओं से बनी ये आकृतियां हैं, ठीक ना, ये चार भुजाओं से हो गया, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये सब हो जाएगा। तो जो चार भुजाओं से बनी ये होता है आकृति, ये तीन भुजाओं से हुआ, इसी प्रकार चार हो गया, ये पांच भुजाओं से बना ये हो गया पंचभुज हो गया, ठीक ना, तो पंचभुज, षट्भुज, तो इस प्रकार ये सभी को, इन सभी को बोलते हैं बहुभुज बोलते हैं, ठीक ना, ये बहुभुज कहलाते हैं, बहुभुज। और हमको ऐसा ही बहुभुज दो लेना है जिनमें भुजाओं की संख्या तो समान होनी चाहिए, ठीक ना, मतलब हम इसको और इसके संग तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बोलता है तीन भुजाएं हैं और इसमें चार भुजा है, तो इसमें बोला है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, तो हम अगर त्रिभुज लेंगे तो त्रिभुज की ही बात करेंगे, ठीक ना, ऐसा बहुभुज जिसकी समान भुजाएं हों, तो मतलब हम अगर अब त्रिभुज ले लेते हैं तो देखिए हमने एक त्रिभुज लिया, एक और एक, ठीक ना, समान संख्या है, भुजाओं की संख्या समान है, तो लिखा है यदि उनके संगत कोण, तो संगत कोण अभी हमने बताया बराबर होने चाहिए, तो सभी संगत कोण बराबर हों, तो पहले वाले चौथे में पहले स्थान पर आएगा बराबर, ठीक ना। और फिर लिखा इसके आगे उनकी संगत भुजाएं समानुपाती, ठीक ना, बराबर नहीं होना चाहिए, इनमें समानुपाती होगा, ठीक ना, अनुपात इनका बराबर होना चाहिए, ठीक ना, यदि इनका भुजाएं बराबर हो गई तो ये तो सर्वांगसम आकृतियां हो जाएंगे, ठीक ना, तो ये लिखेंगे समानुपाती, समानुपाती, ठीक ना। तो इस प्रकार ये खाली स्थान हमने भर लिया। अब प्रश्न नंबर दो देखते हैं, देखिए लिखा है निम्नलिखित युग्मों में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, देखिए उदाहरण देना है हमको, देखिए पहला लिखा है समरूप आकृतियां, तो हमको ऐसे उदाहरण देने हैं जो समरूप हों आपस में, तो लिखिए पहला समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां, ठीक ना, तो जिनका आकार एक जैसा हो, तो देखिए एक बना लेते हैं वृत्त, एक वृत्त ये बना लिया और एक वृत्त ये बना लिया, ये दोनों समरूप ही हो गए, छोटा है एक बड़ा है, इसी प्रकार ये हो गया
इसको लिख लेते हैं समरूप वृत्त, ठीक ना। और एक त्रिभुज का उदाहरण ले लेते हैं, तो ये हो गया, ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज और एक इसका बड़ा त्रिभुज बना लेते हैं, तो इस प्रकार हो गया समरूप त्रिभुज। ठीक ना। अब इसमें बोला है दूसरा में, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो समरूप नहीं है इसमें क्या होना चाहिए, माप तो छोड़ दीजिए, इसका आकार ही अलग अलग हो, ठीक ना। तो पहला उदाहरण ले लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं और एक आयत बना लेते हैं, तो देखिए इसका आकार ही एक जैसा नहीं है, ठीक ना। ये वृत्ताकार है, ये वर्गाकार है, इसलिए ये हो गया जो समरूप नहीं है। और बी में उदाहरण डाल लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये त्रिभुज बना लिया और एक यहां पर आयत ले लेते हैं, ये आयत ले लिया, देखिए देखने में अलग अलग लग रहा है, ठीक ना। तो समरूप आकृतियां नहीं हैं, इनके ये दो उदाहरण इसके हो गए। अब प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है, तो प्रश्न नंबर 3 में देखिए दो आकृति बनी हुई है, उसको बना लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में पहला पी क्यू आर एस 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर और दूसरा आकृति बना हुआ है ए बी सी डी, ये है 3 सेंटीमीटर, सभी 3 सेंटीमीटर वाले हैं, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और प्रत्येक कोण देखिए 90 डिग्री है, ठीक ना। इस प्रकार का होते 90 डिग्री होता है, तो इसमें बताना है कि ये जो दिए गए चतुर्भुज हैं समरूप हैं या नहीं। तो समरूप आकृतियों के लिए क्या होना चाहिए, तो देखिए समरूप आकृति तभी होगा, समरूप आकृति कब होगा, जब संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, ठीक ना, एवं संगत भुजाओं में भुजाएं समानुपाती होंगी, ठीक ना। यही दो कंडीशन होना चाहिए, तो ये देख लेते हैं कंडीशन कि संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। देखिए सबसे पहले तो अगर कोण भुजाओं की बात करें तो देखिए डेढ़ है तो ये डबल 3 हो गया, डेढ़ है तो 3, डेढ़ तीन मतलब भुजाओं में अनुपात तो 1/2 का है ना। इनका अनुपात देखिए डेढ़ का डबल 3 मतलब 1/2 सबका अनुपात तो है ना, भुजाओं का संबंध सही दिख रहा है, मगर इनके कोण देखिए बराबर नहीं है, ये कोण 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से ज़्यादा है तो 90 डिग्री ही है, इस प्रकार इनके कोण बराबर नहीं है बस, ठीक ना। तो लिखेंगे चूंकि, यहाँ से लिखेंगे हल है ये, चूंकि दिए गए चतुर्भुजों की संगत भुजाएं समानुपाती में हैं परंतु इनके संगत कोण बराबर नहीं हैं, ठीक ना। अतः दिए गए चतुर्भुज समरूप नहीं है, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्नावली 6.1 समाप्त हो गई।